एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो कैसे आप लोग, आई होप यू आर गुड एंड फाइन। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज एक नई न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टोरी में घुस जाओ मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। एक रवि नाम का लड़का था। और रवि नाम का लड़का कैसा दिखता है दोस्तों, ये रहा आपके आप इमेज आ गई होगी, देख लो दोस्तों। ये रवि नाम का लड़का था, वो बहुत ही ज़्यादा अपने मॉम डैड से ना गुस्सा था। मतलब गुस्सा इसलिए था, उसके मॉम डैड कुछ करने नहीं देते थे उसे। जब भी वो बोलता था मुझे पैसे कमाने, मैं इधर उधर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, मैं भी शहर जाता हूँ, मनी कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तो उसके मॉम डैड कहते थे बेटा पहले तू अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद कमाना तू पैसे, हम तुझे उसके बाद बाहर भेजेंगे। बट वो सोचता था कि मेरे मॉम डैड मुझे कुछ दिलाना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, मुझे कुछ बड़ा नहीं बनाना चाहते, मुझे अंदर ही अंदर बैठा के एक गाँव में बैठा के मैं क्या कर सकूँगा। वो अपने उसके दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं। बट उसके मॉम डैड की जो मजबूरी होती है, तो उसके मॉम डैड ही जाने दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। उसके मॉम डैड की मजबूरी ये थी कि उनके पास ज़्यादा पैसा ना था कि वो उसे बाहर विदेश पढ़ा सके, इसलिए वो घर ही में बोलते थे हम तुझे सब कुछ दिलाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, वो उससे उसका दिल बहलाते थे। बट रवि अपने मॉम डैड की सुनने वाला नहीं था। तो एक दिन रातों रात वो रवि अपने गांव से भाग जाता है शहर की ओर, और गांव से शहर की ओर भागते टाइम उसे रास्ते में क्या मिलती दोस्तों, नदी। नदी ऐसी थी, देख लीजिए इमेज दिख गया, ऐसी थी। और उसमें थे दोस्तों दो पुल, दोनों पुलों के बीच में 1 किलोमीटर का फासला था। तो दोस्तों वो पहले पुल के पास जाता है रवि, और कहता है हे पुल देव, क्या मैं आपके ऊपर चढ़कर इस नदी को पार कर सकता हूँ। तो वो साफ साफ इंकार कर देता है, कठोर वचन कहकर कि नहीं आ सकते हो करके वो इंकार कर देते हैं। थोड़ा रवि का दिल टूटता है, बट हिम्मत नहीं आता है। वो दूसरे वाले पुल के पास जाते हैं, वही बात वहाँ पे दोहराते हैं। तो वो खुशी खुशी हाँ कह देते हैं दूसरा वाला पुल। वो तो कहते हैं कि अगर आप मेरे ऊपर चढ़कर इस नदी को पार करेंगे तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, तो आइए मेरे ऊपर और इस नदी को पार कीजिए, मेरे पुल में चढ़िए आप, बोलता है। तो वो खुशी खुशी चढ़ जाता है और पार कर लेता है। फिर उसके बाद वो शहर पहुंच जाता है। शहर में उसे धक्के लगने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। शहर तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, कोई ना कोई तो दोस्त होगा जो शहर में अभी कहीं होटल में एचएम में लगा होगा, या कोई इलेक्ट्रॉनिक में लगा होगा, थोड़े बहुत 8-10 या 12 हज़ार रुपये तो कमा रहे हो ना दोस्तों, और 3 या 4 हज़ार रुपये तो आपकी मुझे पता है किराया भी चाहिए रहा होगा, तो क्या बचता है 4 हज़ार। तो सॉरी यार मैं स्टोरी से भटक गया, कोई बात नहीं, ये भी आपके लिए होगा फायदे विद बेनिफिट वाला। तो दोस्तों कहाँ पहुँचाता हो, जैसे ही वहाँ पहुँच गया तो धक्के मुक्के लगे उससे। उसके बाद उसने क्या किया, काम की तलाश में लगा। उसे एक जगह काम मिल गया होटल में दोस्तों, काम किया उसने 6,000 की नौकरी में, और वहीं रहने के लिए भी मिल गया, खाने के लिए भी मिल गया। वो उसने समथिंग कितना 3 महीना काम किया, 3 महीना 1,000 रुपये कमाए। फिर वो 15,000 रुपये कमाने के बाद उसे घर की थोड़ी याद आती, बोलते हैं कि यार एक बार घर की कंडीशन भी देख लेता हूँ कैसे है, मॉम डैड के लिए थोड़े कपड़े ले जाता हूँ, बोलता है। तो वो कपड़े वपड़े ढूंढता है, और कुछ दोस्त और होते हैं उसके साथ उसी होटल में, तो वो उनके साथ बोलता है चलो घर चलते हैं, बोलता है। वो भी बोलते हैं हाँ यार वैसे भी त्यौहार आ रहे हैं, अब त्यौहार का मौका आ रहा है, तो जाते हैं कुछ अच्छा लेके जाते हैं घरों में। तो जैसे ही सभी लोग बैठते हैं बस में और जाते हैं वहाँ, फिर उसके बाद उतरते हैं वहाँ पे, सामने पे वही वाली नदी आती है दोस्तों, उसी नदी को पार करना होता है। तो पहले वाले पुल के पास जाते हैं वो सारे के 3 जने या 4 जने जो भी थे दोस्तों, तो देखते कि वहाँ पे वाला पुल गायब हो जाता है एकदम, टूट के पता नहीं कहाँ गया था, वहाँ पे पुल का नामो निशानी नहीं है दोस्तों, खाली एक जो आगे पे लगा नहीं होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे अभी याद नहीं आ रहा, बट वही वो चीज़ होता है दोस्तों जिसपे लिखा रहता है ना ये पुल का निर्माण वगैरह, वो चीज़ है, वही चीज़ वाला हिस्सा रहा होता है, थोड़ी सी लकड़ी रही होती है वो, वहाँ पे बोलता है पुल टूट गया। फिर उसके दोस्त बताते कि ये पुल तो पिछले कुछ ही महीने पहले ये टूट गया था, इसमें कुछ लोड पड़ा, एकदम आधी तूफान आई जिस कारण ये टूट गया, वैसे भी पुल कच्चा था, टूटना ही था, बोलता है। तो वहाँ पे तब रवि हंसता है, वो खुश होता है और बोलता है कि उस दिन इस पुल ने मुझे अपने ऊपर नहीं आने दिया ना, इस कारण ये इस बार नदी में ठहर गया। ऐसे ही होना चाहिए, जो जैसा करेगा उसके लिए वैसे ही होता है। अगर इसने अच्छा किया होता, मुझे उस दिन पुल में आने दिया होता, पुल पार करने दी होती, तो आज ये जिंदा होता, मतलब आई मीन ये पुल आज यहीं पे होता, आज इसका ये नतीजा हुआ, बोलता है वो करके आगे चल रहा होता है। तो वहाँ से थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ आती है दोस्तों पुल की, और पुल बोल पड़ता है हे बालक, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं आने दिया अपने पुल में कि मुझे पता था कि जो मेरी रस्सियां हैं ना कमज़ोर हैं, वो कुछ ही दिनों में टूट जाएगी, मेरे ऊपर थोड़ा सा भी लोड पड़ेगा या थोड़ा हवा का झोंका आएगा तो मैं सीधे टूट जाऊंगा, इसलिए मैं किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं सभी को रोक रहा था, किसी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी की जान जाए, इसलिए मैंने तुम्हें भी नहीं आने दिया। अगर तुम्हें मेरी बात इतनी ही गंदी लगी तो मुझे क्षमा करना, बोलता है। और
उसके बाद वो शांत रह जाता है, तो वो आगे बढ़ जाता है रवि। और फिर उसके बाद रवि जैसे ही आगे बढ़ता है वो सेकेंड वाली पुल के पास पहुँचता है, तो वो अपने आप पर इतना पछतावा महसूस करता है, अजीब गिल्टी फील करता है और आगे को बढ़ते रहता है। वो सोचते हैं कि मैं ही गलत था शायद, पर अब क्या करूँ सोचता है। बट जैसे आगे आगे जाता है उसके घर में फिर अपने मॉम डैड का ख्याल आ जाता है दोस्तों, जो उसे उतना डांटते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, तो वो फिर सोचता है कि यार वो भी तो हमारे लिए अच्छा करते होंगे इसलिए तो कठोर बोलते हैं। जो जितना कठोर बोलता है दोस्तों, गुस्से में बोलता है वो ज़्यादा उतना अच्छा होता है। तो उस तुरंत फिर घर जाता है, घर जाने के बाद मॉम डैड के गले लग जाता है और मॉम डैड से सॉरी बोलता है और उसके बाद खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों कहानी होती है ये भी समाप्त है। आप इसका मॉरल क्या निकलता है, शिक्षा की मिलती है इससे दोस्तों, आपको बताओ दोस्तों, किसी को पता है कमेंट पे लिखो। अलग से आ रही है तो शिक्षा, मेरी वाली शिक्षा तो वही है दोस्तों, जो कठोर होता है ना दोस्तों, वही मतलब किसके दिल में क्या है दोस्तों वो कोई नहीं जानता है। बट कोई भी हर कोई इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता है, हर अच्छा चाहता है हर कोई इंसान। तो दोस्तों किसी को गलत मत समझो, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है या कोई मतलब अलग से रह रहा है, आपसे बोल नहीं रहे, क्या पता उसके ना बोलने से ही आपका भला हो जाए। जैसे दोस्तों रवि का उस पुल वाले ने उसको डांटा तो वो उसमें नहीं चढ़ाकर वो उस पुल वाले की बात ना सुनता और उस पुल में चढ़ता तो दोस्तों वो नदी में गिर सकता था, क्योंकि उसकी रस्सियाँ कमज़ोर थी, उसने साफ साफ इंकार कर दिया था कठोर वचनों में। तो दोस्तों ऐसी हमारी लाइफ में भी है, जो जितना ज़्यादा कठोर बोलते हैं ना वो उतना ही ज़्यादा हमारा भला और हित चाहते हैं। तो किसी को दोस्तों गलत मत समझो और अपने काम में आगे बढ़ते रहो, लाइफ बहुत ही बड़ी है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, और आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।